और ताज्जुब की बात है महामहिम जी कि एक फीट भी मार्बल का खनन यहां किशनगढ़ में नहीं होता। हमारे व्यवसायी बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से व्यापार करते हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आपस में हिलमिल के एक परिवार की तरह व्यापार करते हैं। महामहिम जी, आपकी स्टेज के पीछे जो फोटो लगी हुई है वो किसी स्विट्जरलैंड की, आइसलैंड की या न्यूजीलैंड की नहीं है, ये हमारे किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड की फोटो है। यहां फिल्म की शूटिंग होती है और प्री वेडिंग शूटिंग होती है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन पूरे देश से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस हो गया। बंधु, जो धनखड़ साहब से एक बार मिल लेता है इतना आत्मीयता से और इतना स्नेह से मिलते हैं कि इनको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। मैं आपको बात बताऊं कि आप जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद जयपुर आए थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको रात्रि भोज दिया था और उस भोज के अंदर मैं भी गया था। मुख्यमंत्री जी के साथ में ये सब लोगों से मिल रहे थे, मैं भी लाइन में खड़ा था। तो जैसे मैं दिखा बाद मिला और 20 साल बाद भी जैसे मैं दिखा उनको, एक इतने आत्मीयता से, इतने आत्मीयता से हाथ पकड़ के ऐसे मिले, रे पाटनी जी आप भी आए हैं, और इतने खुश हो गए कि मैं गदगद हो गया आपसे। और अभी हेलीपैड पे भी किस आत्मीयता से सब लोगों से मिल रहे थे। जो आपसे एक बार मिल लेता है जीवन में कभी आपको भूल नहीं सकता। आप राज्यसभा में आपकी कार्यशैली और आपके अनुशासन को देखकर हम किशनगढ़ वासियों का भी देश का प्रतिनिधित्व नजर आता है और आपको देख के हम किशनगढ़ वासी धन्य हो जाते हैं। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि हमारे किशनगढ़ के विधायक रहे, आज राज्यसभा में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। मैं परम प्रभु परमात्मा से यही निवेदन करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपका स्नेह प्यार आत्मीयता और आशीर्वाद इसी तरह हमेशा बनी रहे और आप आने वाले अनेकों बसंतों तक इस महान देश की सेवा करते रहें। इन्हीं भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हम समय की रेत पर चलकर ही पैरों के निशान बनाते हैं सर, और आपका स्नेह हम सबको जीवन में अनवरत मिलता रहे। मैं आपसे आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उद्बोधन का विनम्र अनुरोध करती हूँ श्रीमान। सबको नमस्कार। आप में से काफी लोगों को पहचानता हूं और आप भी मुझे पहचानते हैं, ये खतरे की घंटी है। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, चेयरमैन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन धर्मेंद्र राठौड़ जी, आपके यहां से सांसद भागीरथ चौधरी जी और अशोक पाटनी जी ने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने भोजन दिया, बड़ी आत्मीयता से दिया। काफी लोग आए, हर क्षेत्र के आए, पर इन्होंने कहा जब मैंने इनको देखा तो आज जवाब देता हूं, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है कि लाइन
वहीं शुरू होती है जहां मैं खड़ा होता हूं, अमिताभ बच्चन का। जब मैंने पाटनी जी को देखा तो मुझे पता लगा लाइन वहीं से शुरू हो रही है। इनमें चुंबकीय ताकत है, ये दूसरे को अपना बना लेते हैं। इसका एक ठोस कारण है, मार्बल नगरी डेवलप जब हो रही थी तब मैं प्रतिपक्ष का विधायक था, अशोक जी लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी यहां पर गैंग्सो लगाए, और विधानसभा में एक प्रश्न उठ गया, माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, हम साथ में सांसद भी रहे हैं, वो खान मंत्री थे, उनका फोन गया कि तेरे इलाके के बारे में तेरी पार्टी के ही लोग प्रश्न उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में था, धर्मेंद्र जी वहां वाली पार्टी में था, मैं दिल्ली में था। मेरे मन में पीड़ा हो गई कि हवन में हाथ जल जाए तो ठीक है, पूरा शरीर क्यों जल रहा है। तो मैंने तुरंत एक फैक्स मैसेज किया कि राजसमंद में जो कुछ हो रहा है उसकी अनुशंसा मैंने की थी, क्योंकि किशनगढ़ के अंदर बहुत लोगों को नौकरी मिली हुई है। एक्चुअली अशोक पाटनी रिप्रेजेंट्स रियल कोऑपरेशन, अकेला चलो वाली बात इनमें बिल्कुल नहीं है। और ऐसे आदमी से कोई मित्रता कैसे खो सकता है। जब आने का मामला हुआ कोई अशोक पाटनी जी कि मार्बल एसोसिएशन में ही कार्यक्रम होगा, शुरुआत वहीं होगी और सबके सामने होगी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस भारती दीक्षित एंड योर डायनेमिक एसपी सुनाराम, क्योंकि पाटनी जी ने कहा हम ऐसा कौन सा कार्ड दिखाएं कि कोई हमें चेक करे, कोई रास्ता निकालो। मैंने पहली बार थोड़ा सा लीक से हटते हुए मैडम से बात की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और मैंने कहा मैडम आई एम फुल्ली अश्योर्ड, आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने उनको याद दिलाई कि उदिति मेहता भी यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। वैसे उदिति जी खुद डिफिकल्ट नहीं थी, उनके नाम की स्पेलिंग डिफिकल्ट थी, वो AUII लिखती थी। वैसे तो दक्षिण भारत की एक बहुत प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री अब रही नहीं, जयललिता जी, उनके नाम में भी डबल ए आता है, उनके डबल आई आती है। आपको अंदाजा नहीं है कि यहां आकर मुझे कितनी ऊर्जा मिली है। मैं सैनिक स्कूल गया और मैंने तब कहा कि मेरा जन्म बायोलॉजिकली गांव की थाना झुंझुनू में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल में हुआ था। मुझे राजनीति की पाठशाला किशनगढ़ ने पढ़ाई। जीवन का सब ज्ञान राजनीति का ही मिला है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
बिना प्रयास के, बिना प्रयास के इसलिए कहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो तो चलो ठीक है, और दंपति के बारे में अशोक जी ने बहुत ज्यादा कह दिया, इससे इसके भाव भी बढ़ गए हैं, पर ये मेरे को रेखा पार नहीं करने देती। तो मैंने कभी किसी पद की चाहत नहीं की, पर किशनगढ़ से मेरा जो लगा हुआ उसकी जड़ के अंदर मेरी हर प्रगति है। मैं किशनगढ़ का ऋणी हूं, आज आपको बता रहा हूं, किशनगढ़ से चुनाव लड़ने के बाद मेरे जगजीत सिंह जी के परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे रहे, आज जेंटलमैन टू द कोर, और चुनाव जीतते ही मैं उनके घर गया। उनकी धर्मपत्नी बड़ी प्रतिभाशाली वो थी उस समय पंचायत समिति की प्रधान, उन्होंने कहा अब तो आप विरोधी विधायक हो गए। मैंने कहा नहीं, आपका भाई विधायक है, मैं दो काम नहीं कर सकता, एक प्रशासन के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैंने कोई नहीं पूछा, और दूसरा राजनीति में द्वेष तो नहीं है, हम साथ मिलकर एक चीज के लिए प्रयास करते हैं, कोई सफल है कोई नहीं है, और वो काम तो मैं वकालत में रोज करता था, लड़ाई का संकोच ही कहां है, स्कोप ही कहां है। आज के दिन जो आपने देखा है, अपना भारत बदल गया है, आप लोग जो विदेश जाते हैं भारत के पासपोर्ट की कदर बदल गई है, भारतीय होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, कहां वो दिन थे जब पूरी दुनिया चिंतित थी परेशान थी कि ब्राजील बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, और उनके लिए एक एक्सप्रेशन कोइन किया गया फ्रजाइल फाइव, वो गजल है ना, छू दोगे तो बिखर जाऊंगा, वो हालात इन पांच देश का हो रहा था। दुनिया के विकसित देश चिंतित थे, और वो सफर कहां तक आ गया कि फ्रजाइल फाइव से जो जर्नी शुरू हुई 2022 सितंबर में बिग फाइव में भारत आ गया, दुनिया की पांचवी आर्थिक महाशक्ति, और अंग्रेजों को पछाड़ कर आया, यह आनंद ही कुछ और है। कटारिया जी, धर्मेंद्र जी से पूछो, घोड़ा गिरता है आनंद आता है, सवार के साथ घोड़ा गिरता है तो आनंद प्रकाष्ठा पर है। और इस दशक के अंत तक विल बी थर्ड लार्जेस्ट, ये भारत की जो ग्रोथ जर्नी है उस सब में आपका हाथ है, आपका योगदान है। आप देखिए कितना काम सरल हो गया है। देयर वॉज अ टाइम वेन पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स, देयर वॉज एक्स्ट्रा लीगल लीवरेजिंग इन डिसीजन मेकिंग, वो कहां गए, गायब हो गए। पावर कॉरिडोर्स हैव बीन टोटली सैनिटाइज्ड ऑफ करप्शन। पश्चिम बंगाल का जब राज्यपाल बना तो 10 राज्यपालों की एक समिति बनी थी, उसका मैं अध्यक्ष था, और हमारा काम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एक रिपोर्ट दें, कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से
बाकी जो महामहिम राज्यपाल थे वो मेरे से ज्यादा अनुभवी थे, ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड के थे। आईएएस से थे बैजल साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर डेली, मिस्टर रवि फ्रॉम आईपीएस, ही वॉज गवर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नजमा हेपतुल्ला। जब 1989 में एमपी बनकर गया तो नजमा जी राज्यसभा के अंदर डिप्टी चेयरपर्सन थी। तब मैंने बारीकी से देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, सरकार ने कितने सुधार किए, मामला धीरे धीरे प्रकोलित हो रहा है। हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल ऑफेंसेस का बिल पास हो गया, एक्ट बन गया है। अनेकानेक, फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप लोगों का ये भी अगर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, संरक्षण पाटनी जी से करूंगा, एक बहुत गंभीर प्रतिवेदन पूर्ण चिंतन मंथन के बाद दोगे, उसका हाईएस्ट लेवल पर एनालिसिस होगा एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्नोसिस, वो डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज तो कहीं भी मिल जाएगा। भारत की प्रगति के बारे में जब दुनिया के लोगों से सुनता हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, दुनिया आश्चर्यचकित है। हाल ही में G20, क्या जबरदस्त प्रदर्शन था। देश का कोई कोना अछूता नहीं रहा, हर प्रांत में कार्यक्रम हुए, हर यूनियन टेरिटरी में हुए, 58 लोकेशंस, 200 मीटिंग्स। और जब राजस्थान में कार्यक्रम हुए, केंद्र और राज्य सरकार में पूरा समन्वय रहा, बंगाल में रहा, देश के हर कोने में रहा। एक उपलब्धि आई, क्योंकि 3 विदेश यात्राओं में मेरा मिलना जुलना विश्व के बड़े नेताओं से हो गया। नंबर 1, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष क्या कहते हैं, 6 साल में भारत ने डिजिटल पेनिट्रेशन इतना कर दिया जो 50 साल में संभव नहीं था। और ये मात्र बयान नहीं है, सबसे पहले देखिए हाथ कंगन को हारसी क्या, पर डेटा, पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन इंटरनेट का भारत का क्या है, यूएसए प्लस चाइना टेकन टुगेदर हमारा ज्यादा है। आप ये देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी 2022 की फिगर है, हमारे हालात क्या हैं? जितने डायरेक्ट ट्रांसफर यूएसए में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए, जर्मनी में हुए, उन सबको जोड़ दो, 4 से गुना कर लो, फिर भी भारत का ट्रांजैक्शन उनसे ऊपर है। अब ऐसी परिस्थिति में हम तो ऐसी संस्कृति के हैं कि पड़ोसी के यहां गम है तो म्यूजिक नहीं चलाते, संबंध कितने कमजोर हो, संबंध कैसे ही हो चाहिए, नहीं चलाते। पता नहीं कुछ लोगों का हाजमा इतना गड़बड़ क्यों है कि भारत में कुछ भी उपलब्धि हो उनका एपेटाइट खराब हो जाता है। दे आर आउट टू टेंट, टार्निश, डिमीन, इंसल्ट भारत, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सब आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है। राजनीति अपना स्थान है, राजनीति करो चाहे जैसे करो, आप और हम सीधे राजनीति में स्टेक होल्डर नहीं है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, आपका व्यापार है,
या कोई भी आदमी राजनीतिक मत नहीं रखता, पर देश हित तो रखेंगे। मैं चकित हो गया, परेशान हो गया जब G20 का गला डिनर हुआ, थोड़ी बरसात बाहर हुई थी। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमने सब हमारे मेहमानों को विदा किया, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और मैंने महामहिम राष्ट्रपति को विदा किया, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे और डॉक्टर सुदेश धनखड़ को विदा किया, और आखिर में खुद गए। उसी समय कोई कहता है कि G20 भारत मंडकम इज फ्लडेड, कहां आ गए हम, कितनी विकृति आ गई है, कितने पेंडेमिक आएंगे, कितनी गिरावट आएगी, कितनी इंसल्ट करेंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे। ठीक नहीं है, आप लोगों के लिए सोचने का विषय है। वन नेशन वन इलेक्शन, वी मे नॉट एग्री, हो सकता है ये इंप्लीमेंट ना हो पाए, अनेक लोगों के विचार हैं और स्वाभाविक है, किसी भी मुद्दे पर अलग अलग लोगों के विचार होंगे, अलग अलग राजनीतिक दल अपना मत रखेंगे, पर यह कहना कि हम चर्चा नहीं करेंगे, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। चर्चा आवश्यक है, आपका क्या विचार है, क्या मंथन है, यह आपका विवेक है। आपको अच्छा थोड़ी लगता होगा कि राज्यसभा में डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन तो होता ही नहीं है। होता क्या है, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। कितना आपको बुरा लगता होगा कि आप सांसद को भेजते हैं, आप उम्मीद करते हैं, समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, यू डोंट डू इट। आप देखिए अतीत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 साल तक बैठक की, गंभीर से गंभीर विषयों पर मंथन किया, कंटेंशियस से, डिविजिव थे, प्रॉब्लमेटिक थे, मत एक नहीं हो रहा था, पर एक बार भी डिसरप्शन नहीं हुआ, स्लोगन शाउटिंग नहीं हुई, वेल में नहीं आई। आज के दिन आवश्यकता है आम आदमी के लिए कि वो अपना मत व्यक्त करे, क्योंकि आप इस देश के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हो, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप कन्विंस हो, ईच ऑफ यू इज अ नर्व सेंटर, एपी सेंटर ऑफ बिग चेंज फॉर बेटरमेंट ऑफ भारत। आपकी चुप्पी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। यू मस्ट पुट योर रिप्रेजेंटेटिव टू फुल सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यदि राज्य सभा के सभापति के रूप में मैं काम नहीं कर रहा हूं, और किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के लोग कहते हैं हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, दैट इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट, पर आप चुप रह जाओगे, कोई निर्णय नहीं करोगे, देन यू विल बी साइलेंस फॉर एवर। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, 2047 तक भारत will be at top of the world, कोई शंका नहीं है। भारत at 247 will be विश्व गुरु। पर जो देश के विरोध में नैरेटिव को चालू करते हैं, इमनेटिंग आउट ऑफ सिनिस्टर डिजाइन, परनिशियस अप्रोच, ये भारत के साथ विरोधी बेल्ट स्ट्रेटेजी है। आप राजनीतिक दल के साथ अखाड़े में चाय जितना लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं राजनीति से उतना ही दूर हूं जितने आप लोग हैं, पर इस अखाड़े में आप सब मर्जी हो सको, हमारे भारत के साथ खिलवाड़ करोगे तो हर भारतीय का परम कर्तव्य है कि वो अपने मानस को सार्वजनिक करे।
आई अपील टू यू टू डू इट। मैं आपसे तीन बातें कहूंगा अंत में। ऑलवेज बिलीव इन योर नेशन, भारत को सर्वोपरि रखिए, यह ऑप्शनल नहीं है, यह हमारा जमीर है। वी विल ऑलवेज कीप नेशन अबाउ एवरीथिंग एल्स। वी विल बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ भारत, वी आर, एंड वी विल टेक प्राइड इन आवर फिनोमिनल ग्रोथ, हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। और क्या कुछ नहीं हो रहा, कभी सोचा है क्या? 89 के अंदर सांसद बना था, आंखों से हालात देखे थे, जूनियर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री था, 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, देश का सोना फिजिकल रूप के अंदर हवाई जहाज में दो बैंकों के यहां प्लेस किया गया था ताकि साख बच जाए। आज हम उसके मुकाबले 600 गुना पावरफुल हैं, 600। अब आप लोगों को मैं एक बात कहूंगा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमारे ब्लड में होना चाहिए। हमारा कोई भी रॉ मटेरियल देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट एड वैल्यू हियर। ये हम नहीं करेंगे, बाहर रॉ मटेरियल भेजेंगे, ये हमारी प्रतिभा को चुनौती है। विदेश से दिए आएंगे, कैसा लगता है? कंडल आएगी, काइट आएगी, खिलौने आएंगे, कपड़े आएंगे, फर्नीचर आएगा, क्योंकि दो पैसे सस्ता है। ये नहीं हो सकता। आई अपील टू एवरी वन इन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस, अपने जहन में जो राष्ट्रवाद है आर्थिक दृष्टि का, उसको डालें। आप लोग प्रतिभाशाली हैं, आपके यहां जो भी काम कर रहा है, आप अपने यंगर जनरेशन को काम करने की इजाजत दें, गलती करने दें उनको, परेशान मत होइए। यंगर पीपल विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो किसी लाइन में विश्वास नहीं रखते, दे विल अचीव बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। पर इतना ध्यान देखिए, हमारे राष्ट्र का रॉ मटेरियल बाहर जाता है, हम दूसरे का इंप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, वैल्यू एड दूसरा कर रहा है, और वही प्रोडक्ट रिसाइकल होकर हमारे पास आता है एंड वी पे मोर फॉर इट। ऐसा कोई काम नहीं है जो आज देश में नहीं हो सकता। तेजस हमारे यहां बन रहा है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर हमारे यहां बन रहे हैं, समुद्री जहाज हमारे यहां बन रहे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने 2022 के अंदर लॉन्च किया था। डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने 7 में से 1 फ्रिगेट को लॉन्च किया था, क्योंकि महिला करती है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया था। इतना बड़ा बदलाव जब आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। इसलिए कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, बिलीव इन दी ग्रेट कंट्री दैट इज नोन एज भारत, एंड कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। वैसे जैसा हर बार होता है, किशनगढ़ आकर मेरा फायदा ही होता है, और पाटनी जी ने कहा कि लंबे समय बाद मिले हैं, हमारी वर्चुअल मीटिंग होती रही है, फिजिकल लंबे समय बाद मिले हैं, और कह सकता हूं वर्चुअल मीटिंग के अंदर वन साइडेड ही है कि फायदा हमेशा मेरा ही हुआ है। मैं किशनगढ़ मार्बल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, पाटने जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ऐसा मौका प्रदान किया गया है, वो भी मेरी धर्मपत्नी के सामने। शी इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। और पाटनी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, समस्याएं मेरे को होंगी। गॉड ब्लेस यू, गेट द बेस्ट ऑफ इट। किशनगढ़ का नाम हो, किशनगढ़ की मार्बल मंडी के अलावा और भी व्यापार बढ़े, एंड किशनगढ़ का जो जीनियस है दैट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट
टू हैव अनदर काइंड ऑफ इंडस्ट्री हियर, सर्विस इंडस्ट्री, वो यहां हो सकती है, होना चाहिए। आई एम श्योर यू ऑल विल थिंक अबाउट इट। जब भी दिल्ली आना हो मुझे याद कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान। मैं आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब से विनम्र अनुरोध करती हूँ, हमारी स्मृति आपके मानस पटल पर सदैव अंकित रहे, इस हेतु स्मृति चिन्ह भेंट कर हम सभी का स्नेह, सानिध्य, प्रेम सभी का